हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी सिस्टर भी ना आप सबको हेलो बोल रही है, तो वो बीच में आके सबको हाय कर रही है। और प्रश्न भी ना मुंह बनाने में तो नंबर वन है। और मेट्रो बड़ी खाली नज़र आ रही है, लेकिन जहां हम उतरे तो वहां तो हद से ज़्यादा पब्लिक थी, क्योंकि वो जगह थी सरोजनी नगर। और यार जैसे ही मैंने मार्केट में एंट्री ली तो मुझे इतना बड़ा अमरूद दिखा। उसके बाद मैं भैया को ढूंढ रही हूँ उस जींस के लिए, पूछने के लिए वो कितने का है, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहते। तो मैंने फिर नेक्स्ट देखी, वो ना जो हाफ निक्कर होते हैं ये उस टाइप का कुछ जीन्स था, जो कि 100 रुपीज़ का मिल रहा था। बट मुझे ना क्वालिटी ज़्यादा पसंद नहीं आई। और मैंने ना मेन कलेक्शन जो होता है, लड़कों का कलेक्शन जो होता है मैन, वो थोड़ा सा मैंने दिखाया, बिकॉज मुझे ना प्रश्यूम के लिए कपड़े लेने थे। तो मैं ना ज़्यादा वही वेराइटीज़ मैंने देखी थी। तो यहाँ पे ना बहुत सारी प्रिंटेड शर्ट मिल रही थी, जो कि मैंने नीचे भी गिरा दी थी, लेकिन लग बहुत अच्छी रही थी। वो टी शर्ट शर्ट मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है टी शर्ट शर्ट का, तो अगर कुछ हो जाए मिस कम्युनिकेशन तो प्लीज़ माफ़ करना। और यहाँ पर ना मैंने ये शर्ट टी शर्ट देखी थी जो सही लग रही थी। और यहाँ पर ना बहुत सारी प्रिंटेड फीमेल्स के लिए भी थी और मेल्स के लिए भी। आजकल ना मतलब सेम कलेक्शन चल रहा है, तो वही सब था। तो ज़्यादा ना मैंने लड़कों का कलेक्शन दिखाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था। और अभी मैं आपको बताऊँ ना, मार्केट में ना बहुत सारी पुरानी चीज़ें ही हैं, कुछ नया आया नहीं है। और ये जो पैंट थी ना, ये भी 200 की थी। और यहाँ पे ना लेडीज़ वाले सूट भी मिल रहे थे, जो कि 300 में थे, जिसमें आपको सूट और प्लाजो दोनों चीज़ साथ में मिल रही थी। और प्रश्न मुझसे बोल रहा था एक अच्छा सा उठा के दिखा, तो यही बाहर रखा था, तो मैंने यही उठा के दिखा दिया, जो कि ज़्यादा खास लग नहीं रहा था, बट इसमें अच्छे कलेक्शन थे। और यहाँ पे ना एयरिंग्स वगैरह थे, जो कि मतलब 300-200 ऐसे थे। और आजकल तो सनफ्लावर की चप्पल भी मिल रही है, आप सूरज भी पैर में पहन के जा सकते हो। और ये 200 की चप्पल थी। और यहाँ पे ना मैंने डेनम वगैरह देखी, जो कि 100 की सेल में लग रही थी, लेकिन यार ये ना कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, बिकॉज ये ना अपना बहुत सारा पुराना माल निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी ना बीच का सीज़न चल रहा है, मतलब सर्दी गर्मी बीच का चल रहा है, तो उसमें ये सब निकाल रहे हैं। बट मुझे ना 100 रुपीज़ में ये वाली डेनम मिली थी, जो कि बहुत ज़्यादा सही लग रही थी, तो मैंने ट्राई भी करा था। और इन द एंड आगे मैंने इसको परचेज भी कर लिया था, क्योंकि ये ना फिट अच्छी आ रही थी। और उसके बाद ना यहाँ पे पूरा मैंने देखा कि यहाँ पे ना बॉयज़ के बहुत सारे प्रिंटेड कलेक्शन थे। और ना ये प्रश्युम ने शूट करा है, ये पता नहीं किस एंगल से उसने वो पजामा शूट करा, उसके लिए मैंने ये ग्लोवल लिया था, तो वही वो आपको दिखा रहा है। और फिर टी शर्ट वगैरह देखी थी, तो मेरी सिस्टर और ये टी शर्ट दिखा रही थी, ये 200 की सेल में थी ये वाली टी शर्ट्स। और फिर ना बहुत सारे महिलाओं के कुर्ते भी थे, तो वो डमी सारे कुर्ते पहन के बैठी हैं, तो मतलब ये सब ना 500-600 की सेल में लगे हुए थे, जो कि जो कपड़ा था ना इनका ठीक था, अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ना प्रिंटेड जो शर्ट होती है वो तो इतनी ज़्यादा चल रही है ना आज के टाइम में, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ना 500 के कुर्ते मिल रहे थे, दो कुर्ते मिल रहे थे 500 में, लेकिन जो इनके कपड़े की क्वालिटी थी वो बे इंतहा गंदी थी, बहुत ज़्यादा। आप उनको एक बार वॉश करोगे ना तो वो ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिल रही थी, बहुत सही लग रही थी, बट ये 100 रुपीज़ की थी, तो मुझे 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा महंगा लगा। और गोगल्स वगैरह थे, और पल्स वाली भी ज्वेलरी थी। और मैंने ना अपना मतलब एक चश्मा ट्राई करा था गोगल, जो कि वाहियात लग रहा था मेरे ऊपर। और प्रश्न को देखो इतना थक गया था कि आई मतलब खाने मतलब आइसक्रीम भी ना चाट चाट के खा रहा है, और हम दोनों इतना ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा। और मैं ना घर जाने के लिए ही उठी थी, तो पता है आपको मुझे कौन मिला? एलिन चौधरी। और मुझे उससे मिलकर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ही इज़ वेरी काइंड पर्सन, मतलब उन्होंने इतने अच्छे से बात करी, बहुत ज़्यादा अच्छे से। और मुझसे ये भी पूछा शॉपिंग की या नहीं की, मतलब ही इज़ रियली डाउन टू अर्थ, तो मतलब उनसे मिलके ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब खुशी हो रही थी। एक मैं अजीब सा ब्लश भी कर रही हूँ, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैं ना घर वगैरह आई, और घर आने के बाद यार बहुत टायर्डनेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन घर आने के बाद ना फिर भी शॉपिंग का क्रेज़ तो ख़त्म हुआ ही नहीं था। फिर सारे के सारे हम बैठ गए, मतलब चाय वगैरह पी के, मम्मा को कपड़े दिखाने कि चलो भाई जो जो हम लाए हैं वो हम मम्मा को दिखाएंगे। और यार उसमें ना ऐसा कुछ लेडीज़ का कलेक्शन नहीं है, तो आपको वो होल दिखा नहीं सकते, और मेरे भाई को तो बहुत ज्यादा ही शर्म आ रही है। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, बाय।